सीआईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत है पाठ आठ शाम एक किसान पृष्ठ संख्या तिरसठ आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पृष्ठ संख्या 64, कविता के बारे में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है आकाश उसके सिर पर बंधे साफ़ी के समान पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है यह पूरा दृश्य शांत है अचानक मोरबोल उठता है मानो किसी ने आवाज लगाई सुनते हो इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है चिलम उलट जाती है आग बुझ जाती है धुआं उठने लगता है सूरज डूब जाता है शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है पृष्ठ संख्या पैंसठ प्रश्न अभ्यास कविता से प्रश्न एक इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है यह एक रूपक है इसे बनाने के लिए पांच एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है उन्हें उपमा कहते हैं पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है मानो नदी चादर सी हो अब आप दूसरी चौथी और पांचवीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए प्रश्न दो तो, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए क शाम कब से शुरू हुई ख तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा ग इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, तीन मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो इन पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए कबूतर कौआ मैना तोता चील और हंस कविता से आगे एक इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा दो शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए पक्षी पेड़ पौधे खिलाड़ी फल वाले मां पिताजी किसान बच्चे तीन हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है चहक रही चिड़िया टीवी टी टुट टुट इस कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा लिखिए पृष्ठ संख्या छियासठ अनुमान और कल्पना शाम के बदले यदि आपको एक कविता शोभा के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे इस कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए पेड़ों के झुनझुने बजने लगे लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद उठ मेरी बेटी शोभा हो गई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भाषा की बात एक इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से सुनिए। क घुटनों पर पड़ी है नदी चादरसी रेखांकित शब्द है चादरसी सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्लेसा रेखांकित शब्द है गल्लेसा ग पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा रेखांकित शब्द है पर्दा सा घ मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास रेखांकित शब्द है मरियल सा ना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा रेखांकित शब्द है छोटा सा च घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया रेखांकित शब्द है सी इन पंक्तियों में सा और सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है दो इन शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ अर्थात वाक्य रचिए आंधी दहक सिमटा अभी आप सुन रहे थे ये पाठ प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत